दिल्ली के विवेक विहार इलाके के विज्ञान विहार में मंगलवार दिन दहाड़े एक घरेलू सहायक ने घर में सेंध लगा दी। आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर घर से 25 लाख रुपए कैश और करीब 1 करोड़ से अधिक कीमत की ज्वेलरी उड़ा ली। परिवार उसके लिए ही खरीदारी करने मार्केट गया था। दोपहर बाद जब सब लोग वापस लौटे तो उन्हें वारदात का पता चला। फौरन मामले की खबर पुलिस को दी गई। मौके पर क्राइम टीम के अलावा एफएसएल को भी बुला लिया गया। छानबीन हुई तो सीसीटीवी कैमरे में घर का नौकर ही वारदात को अंजाम देते हुए पाया गया। बुजुर्ग महिला देववती देवी की शिकायत पर विवेक विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। आरोपी अपने साथ कितनी रकम के जेवरात ले गए हैं, फिलहाल परिवार ने उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई है। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि आरोपी 1 करोड़ से अधिक कीमत के जेवरात उड़ा ले गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक देववती देवी परिवार के साथ विज्ञान विहार इलाके में रहती हैं। इनके परिवार में पति रामभूल सिंह, 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। परिवार का अपना कारोबार है। इसी 30 जुलाई को देववती देवी की बेटी की शादी है। घर में शादी की तैयारी चल रही है। देववती देवी के परिवार ने करीब 1 साल पूर्व नीरज नाम युवक को घर में नौकर रखा था। मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे परिवार घर पर ताला लगाकर लाजपत नगर खरीदारी करने चला गया। इस बीच 3:30 बजे परिवार वापस लौटा तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर घर का सारा सामान फैला हुआ था। घर की मेन लोहे की अलमारी भी टूटी हुई थी। अंदर अलमारी से जेवरात और कैश का पूरा लॉकर ही गायब था। देखते ही परिवार के होश उड़ गए। फौरन मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को देववती ने बताया कि लॉकर में शादी के इंतजाम के लिए 25 लाख रुपए कैश और उनकी बेटी बहू की ज्वेलरी रखी हुई थी। ज्वेलरी की असली कीमत क्या है, इसकी जानकारी परिवार ने अभी पुलिस को नहीं दी है। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि लॉकर में 1 करोड़ से अधिक कीमत की ज्वेलरी मौजूद थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 3 टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।